अभी कोई है घर पर? जी दादी है, वो पूजा कर रही है। आइए आप अंदर आइए। आप यहाँ बैठिए, दादी पूजा खत्म करके आती हैं। बाबूजी नमस्ते, मेरा नाम शेखर मल्होत्रा है, मैं बंबई से आया हूँ। बाबूजी मेरी मुलाकात अमर से बंबई में हुई थी, हम लोग एक पार्टी के दौरान मिले थे। बाबूजी हमने काफी समय साथ बिताया उस रात, फिर अमर निकला एयरपोर्ट के लिए और मैं भी घर की तरफ। बाबूजी अमर का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। बाबूजी मैं और पॉस्को हम लोग पार्टी से निकले मेरी गाड़ी में, और सुनसान सड़क थी और गाड़ी की रफ्तार भी काफ़ी तेज थी, और मैंने राइट टर्न लिया और सामने एक बड़ा सा बंगला और उसका गेट, पता नहीं कहाँ से बाबूजी एक छोटी सी बच्ची अपने कुत्ते के पीछे शायद उसे बुलाती हुई उसके पीछे निकली और अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई। बाबूजी मैंने उसे उसे बचाने के लिए जैसे ही राइट टर्न लिया तो गाड़ी बहुत जोर से किसी चीज से टकराई और ब्रेक लगाए, और मैं और बॉस को उतरे और हम लोग गाड़ी के सामने आए तो देखा कि अमर, बाजी अमर खून में सना हुआ पड़ा था। बाबूजी अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों का गुनहगार हूं तो आप जो सजा दें मुझे मंजूर है। आप किससे बात कर रहे हैं? बाबूजी बोलते नहीं हैं। जब से अमर भैया को जलाकर आए ऐसे ही कुर्सी पर बैठे हैं, ना कुछ बोलते हैं ना सुनते हैं। आप बैठिए, मैं दादी को बुलाकर लाती हूं।